Hello students, today we will solve some of your questions from your exercise 9.1. In our previous class, we have solved till question number 8. Today we will begin from question number 9. So question number 9 is given as, a worker is paid rupees 240 for 5 days of work. Ek worker hai, jisko 240 rupees pay kiya gaya hai, kitne din ke liye? 5 days of work ke liye. If total income is rupees 1008, अगर उसका total income rupees 1008 है, तो हमको बताना है कि कितने दिन में वो work करेगा कि उसको 1008 rupees मिलेगा। Now see, तो मैंने आपको direct variation में एक चीज बताई थी कि direct variation में क्या होती है, दो quantities होती है, एक x होता है और एक y होता है, और हम हमेशा क्या निकालेंगे, x by y, ठीक है? डायरेक्ट वेरिएशन का बस इतना सा मतलब होता है कि मान लो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे y2 है, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेरिएशन अगर x1 में इंक्रीज हो रहा है तो y1 में भी इंक्रीज हो रहा है, अगर x2 में इंक्रीज हो रहा है तो y2 में भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी हम डायरेक्ट वेरिएशन निकालते हैं, हम जस्ट लिखते हैं x1 by y1 is equal to x2 by y2। अगर डायरेक्ट वेरिएशन रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर इनवर्स वेरिएशन रहेगा तो इनवर्स वेरिएशन के टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं, x1 into y1 is equal to x2 into y2। अगर इनवर्स वेरिएशन निकालना होगा तो मल्टीप्लाई होगा, और डायरेक्ट वेरिएशन निकालना है तो डिवाइड होगा, ठीक है? अब अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं x का मतलब क्या है, डेज, नंबर ऑफ डेज, वो कितना काम किया है, और y को हम मान लेते हैं ये क्या है, इनकम है, ठीक है? तो जब वो 5 डेज वर्क किया तो उसको इनकम कितना हुई, 240 रुपीस। नेक्स्ट, ये वाला डेज हमारे पास नहीं दिया है पर टोटल इनकम दिया है 1008। Now, मैंने आपको बताया x1 upon y1 is equal to x2 upon y2, हम डायरेक्ट वेरिएशन में लिखते हैं, तो 5 upon 240 will be equal to, अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू दी नहीं है, 5 upon 240 हमने लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेते हैं, तो x upon 1008। तो हमारे पास इक्वेशन निकल के चला आया, 5 by 240 is equal to x upon 1008, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 240 into x will be equal to 5 into 1008, तो x हो जाएगा 5 into 1008 upon 240 के बराबर, ठीक है? अगर टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 से करते, 5 ones are 5, 5 fours are 20 and 5 eights are 40। अब इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है, 3 से करते हैं, 3 ones are 3, 3 six जा 18, 3 threes are 9 and 3 threes are 9 again and 3 six जा 18, 2 से करते हैं, 2 eights are 16, 2 ones are 2, 2 six are 12 and 2 eights are 16. 8 ones are 8, 2 are 16 and 8 ones are 8. Total kitna aa gaya hamara, 21 days. Yani jab worker ko 1008 rupees mil raha hai, iska matlab wo kitna days kaam kiya hai, 21 days. Next question diya hai hamare paas, the amount of extension in an elastic string is in a direct variation. Same direct variation hai, pehle kya karo, x y likh do. Ab kisi ko bhi x maan lo, kisi ko bhi y mang lo. Pehle hum dekhte isme kaun si do cheez di hui hai. To pehle ek weight diya hua hai aur ek diya hai length. Do cheez di hui hai, ek weight diya hai, ek length. To hum maan lete hain x hamara kya hai, weight, aur y hamara kya hai, length. फर्स्ट केस में दिया है कि वेट कितनी है, 250 ग्राम, उस समय स्ट्रिंग का लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर जो लेंथ है 21 सेंटीमीटर हो गया है तो ये वेट कितना होगा, तो ये हमारे पास नहीं दिया तो हम क्या मान लेंगे, x, सेम x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, मतलब 250 अपॉन 3.5
वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, x अपॉन 21 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा तो हमारे पास आ जाएगा x into 3.5 is equal to 250 into 21. x की वैल्यू हो जाएगी 250 into 21 upon 3.5 के बराबर। अब हमको ये डेसिमल को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 250 into 21 into 10 upon 35. 7 से करते हैं, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो हमारे पास बचा है 250 into 3 into 2, यानी 250 into 6. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 6 जा 0, 5 6 जा 30, कैरी 3, 2 6 जा 12 and 3, 1500. ग्राम इज आवर आंसर टोटल। अगर 21 सेंटीमीटर लेंथ है स्ट्रिंग का तो यहाँ पे हो जाएगा 1500 ग्राम। नेक्स्ट वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज द थिकनेस ऑफ 12 sheets of chart papers is 35 mm. What is the thickness of 294 sheets of चार्ट पेपर? सेम क्या करना है, सबसे पहले हमको एक्स वाई का टेबल बनाना है ऐसे, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। द थिकनेस ऑफ 12 शीट्स ऑफ चार्ट पेपर इज 35 mm। 12 शीट ऑफ चार्ट पेपर की थिकनेस की बात करें तो वो 35 mm के बात है। तो दो चीजें इसमें दी हुई है, एक है नंबर ऑफ शीट्स और एक क्या दिया हुआ है, थिकनेस। तो क्वेश्चन में दिया है जब 12 शीट रहती हैं तो उसकी थिकनेस किसके बराबर होती है, 35 के। तो अगर हमारे पास 294 शीट हैं तो थिकनेस किसके बराबर होगी, यानी ये थिकनेस का एक पोर्शन मिसिंग है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, y। सेम x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेरिएशन। इसको लिख सकते हैं 12 अपॉन 35 is equal to 294 upon y, cross multiply होगा ये आपस में, तो 12 into y will be equal to 294 into 35, y बराबर हो जाएगा 294 into 35 upon 12, ठीक है। तो अगर कोई terms cancel out हो पा रहे हैं तो हमें cancel out करना है, अगर cancel out नहीं हो पा रहे हैं तो we will just write the answer. So our answer will be 857.5 mm. Let's move to another question. Next question is question number 12. Question number 12 is given as in 12 days the earth picks up 1.8 into 10 to the power 8 kg of dust from atmosphere. In how many days will it pick up 7.2 into 10 to the power 8 kg of dust? Okay.
सेम फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, एक्स एंड वाई का कॉलम बनाना है. क्वेश्चन इज गिवन एज इन 12 डेज द अर्थ पिक्स अप 1.8 इनटू 10 टू द पावर 8 केजी ऑफ डस्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर. अगर 12 डेज में बात करें तो हमारा अर्थ इतना केजी ऑफ एटमॉस्फेयर का डस्ट को पिक करता है. तो अगर हमारा अर्थ इतना केजी डस्ट पिक कर रहा है तो वो कितने दिन में करेगा. तो दो चीजें दी हुई है, एक डेज दिया हुआ है और एक डस्ट दिया हुआ है. तो जब 12 डेज होते हैं तो अर्थ कितना डस्ट पिक कर पाता है, 1.8 into 10 to the power 8. ये डे हमें नहीं पता है, लेकिन डस्ट कितना पिक करेगा दिया है, 7.2 into 10 to the power 8. तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं. सेम डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू. तो हम इसको लिख सकते हैं 12 अपॉन 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 7.2 इंटू 10 टू द पावर 8. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 एक्स इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 12. अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं. x will be equal to 7.2 into 10 to the power 8 multiplied by 12 divided by 1.8 into 10 to the power 8. अब ये जो 10 to the power 8 है और ये 10 to the power 8 cancel out हो गए, decimal और decimal हट गए. 18 ones are 18, 18 fours are 72. तो x की value किसके बराबर आ जाएगी, 4 into 12 that is 48 के बराबर. So, अगर नंबर ऑफ डेज की बात करें तो हमारे नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 48. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. इट इज गिवन एज 35 चिल्ड्रन नीड्स 122.5 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस फॉर ए डांस परफॉर्मेंस. If the available space is 21 meters square, how many children can give the performance? Okay, see, the question is given as there are 35 children and they need 122.5 meter square of space. 35 children ko itne space ki zarurat hai dance performance ke liye. To agar sirf 21 meter square ka space ho to number of children kitne aa sakte hain. To is question mein do cheez di hui hai, ek number of children aur dusra kya diya hai, space. अब मैं कहीं पे x को लिख रही हूँ, कहीं पे y. आप चाहो तो x को स्पेस लिख सकते हो और y को नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब मैंने मान लिया है कि x क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो जब 35 चिल्ड्रन है तो स्पेस कितना है, 122.5. तो जब 21 मीटर स्क्वायर स्पेस है तो चिल्ड्रन कितने होंगे. सेम डायरेक्ट वेरिएशन, एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू. तो x1 दिया है हमारा 35, ये है हमारा 122.5. x2 नहीं दिया है और y2 दिया है 21. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी विल गेट 21 इंटू 35 और इधर आ जाएगा x2 इंटू 122.5. तो x2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 21 इंटू 35 अपॉन 122.5. डेसिमल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं, मिलेगा 21 इंटू 35 इंटू 10 अपॉन 1225. 5 से करते हैं, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 फोर जा 20 एंड 5 फाइव जा 25. अगेन 5 से करते हैं, 5 7 जा 35,
5 4s are 20 and 5 9s are 45. 7 1s are 7. 7 7s are 49. 7 1s are 7. 7 3s are 21. So our answer will be 3 into 2. That is 6. So okay, total 6 children we can accommodate in 21 meter square. Agar sirf 21 meter square diya ho aur humko batana ho ki usme kitne children aa sakte hain, to usme total 6 children accommodate ho sakte hain. Okay, so this is all for your exercise 9.1. We have already finished your direct variation. In next class, we will begin your inverse variation. Inverse variation matlab, jaise yahan pe x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 tha, wahan kya hoga? Multiply hoga. Wahan pe x1 into y1 is equal to x2 into y2 hoga. Okay, thank you all of you.